दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेक टीआर में। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग वापस से बात करने वाले हैं DJI Mavic Mini के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू अपडेट आया है जहाँ पे आपको ऑथराइज जोन हो तो वहाँ पे भी आप उड़ा सकते हो। आज इस वीडियो में वो फर्मवेयर हम लोग अपडेट करेंगे और ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ये ड्रोन उड़ता है या नहीं। जल्दी से देखिए इस वीडियो को कि फर्मवेयर अपडेट कैसे करना रहता है, और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए बैटरी लाइफ को लेके और यहाँ पे जो जोन्स को लेके, साथ ही में जो बार बार GPS सिग्नल लॉस हो रहा था, जो रिटर्न टू होम का इश्यूज आ रहे थे, छोटे छोटे बग्स जितने भी थे वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टूडेज फर्मवेयर अपडेट ऑफ DJI Mavic Mini। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में दबाए बेल आइकन की, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। हे गाइस वेलकम बैक टू टेक टीआरवी। दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा, आज हम लोग करने वाले फर्मवेयर अपडेट जिसके वजह से हमारा ऑथराइज जोन में भी हम लोग DJI Mavic Mini को फ्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे है DJI Mavic Mini जिसे मैंने ऑलरेडी अपने कंट्रोलर DJI Mavic Mini के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, वो भी इस DJI Fly के ऐप के थ्रू। जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे अपना जो अपडेट है वो है Mavic Mini का वर्जन 01.00.0400, जो कि एक 40 MB का है, और यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स जो कि अपडेट किया जा रहा है इस DJI Mavic Mini के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ऐप ओपन करके रखना है, और यहाँ पे आपका जो बैटरी लेवल होना चाहिए RC रिमोट कंट्रोलर और एयरक्राफ्ट का हायर होना चाहिए 30% से, और यहाँ पे एटलीस्ट आपको 10 मिनट लगेगा पूरा अपडेट फिनिश होने को। फटाफट करते क्लिक के ऊपर अपडेट का बटन पर। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा इसके जो फीचर्स जो चेंजेस हुए वो है, सबसे पहला कि आप जियो जोन्स को अनलॉक कर सकते हो इसी ऐप के थ्रू, मतलब कि आपको DJI के एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे रजिस्टर करके अनलॉक करने का रिक्वेस्ट कोई नहीं पूछना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप इससे अनलॉक कर सकते हो इस अपडेट के बाद। यहाँ पे और एक फीचर अपडेट किया है जैसे कि GPS सिग्नल लॉस होता है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स जो अपडेट किए हुए, जब भी आप टेक ऑफ करोगे तो उसके पहले आपको कैलिब्रेशंस करना पड़ेगा कंपास का, साथ ही में यहाँ पे आपको फ्लाइट का एल्टीट्यूड और डिस्टेंस के ऊपर पेलोड मोड डाल दिया गया है। यहाँ पे आपको वार्निंग प्रॉम्प्ट मिलेगा बैटरी साइकिल के लिए, जब आप DJI Mavic Mini का पावर ऑन करते हो तो उसका जो नॉइज आता है सेल्फ डायग्नोसिस का, उसे भी कम कर दिया गया है, और काफ़ी सारे ऐसे अबनॉर्मल इश्यूज अलग अलग रीजन में उसे काफ़ी सारे चीज़ों को फिक्स किया गया है। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि डाउनलोड हो चुका है और अभी इंस्टॉल हो रहा है, ऑलमोस्ट ये फटाफट होते ही उसके बाद में इसे फ्लाई करेंगे हम लोग। कुछ ऑथराइजेशंस के ऊपर भी डिटेल पूछेगा जब आप ऑथराइज जोन में फ्लाई करोगे। सबसे मेन बात कि रिस्ट्रिक्शन एरिया में उड़ने वाला नहीं है, एल्टीट्यूड जोन में उड़ सकता है, बट आप एल्टीट्यूड और ऑथराइज जोन में कि आप 50 मीटर के हाइट्स के ऊपर नहीं उड़ा सकते, ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया हुआ है। अब हमारा यहाँ पे हो चुका है क्लोज, मतलब अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है, आपका जो DJI Mavic Mini है वो ऑफ हो चुका है, और हम इसे रिस्टार्ट करेंगे। गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा अभी फर्मवेयर अपडेट हो गया है और हम लोग का प्लेस भी चेंज हो गया है। द रीज़न इज हम लोग गार्डन में तो वहाँ पे उड़ाने जैसे ही जा रहे थे वैसे ही वहाँ का वॉचमैन आया, सर आपको कैमरा अलाउड नहीं है एक्सप्रेस जेट लाओ। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने बिल्डिंग के टेरेस पे आ गया हूँ। तो अभी जो हम लोग ने अपडेट किया है वो है वर्जन 1.00.0400। ओके तो ये एक न्यू अपडेट आया जिसकी वजह से आपका जियो जोन्स के अंदर ऑथराइजेशन जोन है वो ऑटोमेटिकली आप आपके स्मार्टफोन से ही कर सकते हो अनलॉक। तो करते हैं हम लोग का अपना ड्रोन फ्लाई फॉर्म अपडेट के बाद, और आप लोग लीजिए इस सिनेमेटिक शॉट्स का मजा, क्या बोलते हो, है ना। तो गाइस
जैसे कि आप लोग ने इस वीडियो में देखा, मैंने यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट किया है और उसके बदौलत हम लोग ऑथराइज जोन में डायरेक्टली अपने ऐप के थ्रू फ्लाई कर सकते हैं अपना DJI Mavic Mini। और इसी बात पे इसी तरह बहुत सारे न्यू बग्स जो भी होंगे वो DJI वाले ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहेंगे। तो अभी तक आप लोग ने अपना DJI Mavic Mini बैटरी अपडेट या फिर काफ़ी सारे जो अपडेट्स आए हैं अभी तक वो अपडेट नहीं किया है तो ज़रूर जाके करें, और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करें। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।